थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की रेसिपी का क्या नाम है। आज की रेसिपी का नाम है राजमा कीमा रोल। तो उसके लिए देखिए, मैंने ये एक कटोरी बॉइल्ड राजमा लिया है। ये मैंने बारीक प्याज काटे हैं, दो प्याज काटे हैं छोटे छोटे, आप एक बड़ा भी ले सकते हैं। ये मैंने लहसुन को चॉप किया है, ये है हरी मिर्ची दो, और ये है धनिया पत्ता। उसके साथ ये है हींग, ये है कसूरी मेथी, ये है अमचूर, और ये आपके डेली बेस वाले सारे मसाले, जीरा, हल्दी, नमक, धनिया, मिर्ची, और ये गरम मसाला। और ये एक मैंने प्याज और टमाटर लिया है, और रोल बनाने के लिए ये मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आटे को गूंथेंगे, और जो ये राजमा है इसको थोड़ा सा कीमा जैसा टेक्सचर देने के लिए सिर्फ एक चरण, एक मिक्सी का बटन दबाना है अपने को सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, ताकि इसका कीमा जैसा टेक्सचर आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजमा को चर्न कर लिया है, अब हम सबसे पहले जो रोल बनाएंगे उसके लिए आटा गूंथ लेते हैं। तो ये हमने गेहूं का आटा लिया है, इसमें हम ये थोड़ा सा अजवाइन को डाल देंगे, हल्का सा क्रश करके, ये थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ये रिफाइंड है लगभग 1 चम्मच, और थोड़ा सा ये मैंने धनिया पत्ता लिया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और रोल भी बहुत ही सुंदर बनता है। तो हम इसको सबको मिला लेंगे इस तरीके से, और फिर पानी डाल के हम इसको गूंथेंगे। बहुत गीला भी नहीं गूंथना है और बहुत टाइट भी नहीं गूंथना है, तो इसको हम धीरे धीरे पानी से डाल के हम गूंथ लेते हैं। तो देखिए ये आटा गूंथ के तैयार हो गया है, इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा रिफाइंड हल्का सा और लगा देंगे, उसको बढ़िया से हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो देखिए बढ़िया से इसको अब इसको हम ढक के सेट होने के लिए छोड़ देंगे, और फिर हम कीमा बनाने की तैयारी करेंगे। ये गर्म हो रहा है, इसमें हम ये रिफाइंड डाल देंगे, उसके बाद हम ये इसमें जीरा डाल देंगे, और ये हींग। हींग बहुत ज़रूरी होता है, इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। जैसे हमारा ये जीरा चटक जाएगा, हम इसमें प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को डाल देंगे। तो देखिए जीरा हमारा ये लाल हो गया है, अब हम इसमें ये जो हमने लहसुन और ये जो हमने लहसुन और ये हरी मिर्च का है वो डाल देंगे। ये देखिए अब हम इसको पहले बढ़िया से लाल करेंगे। ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ये आप लोग बच्चों टिफिन में भी दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, और शाम में स्नैक्स में भी आप लोग इसको काम में ले सकते हैं। तो देखिए इसमें ये लहसुन लाल हो गया है, अब हम इसमें ये जो मैंने बारीक प्याज काट के रखे हुए थे वो डाल दिए। तो देखिए इसमें मैंने सारे प्याज डाल दिए हैं, अब इसको भी हम धीमी आंच पे बढ़िया से हल्का लाल कर लेंगे। प्याज हल्के से पिंकिश हो गए हैं, तो अब हम इस स्टेज पे जो हमने ये राजमा को एक चौन दिया था कीमा का रूप देने के लिए, इसको हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छी सी लाजवाब सी ये रोल्स बन के तैयार होते हैं।
आप इनको रोल्स कह दीजिए, फ्रांकी कह दीजिए, या सिंपल भाषा में रोटी में डाल के घुमा दो ये भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे फटाफट से। सबसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप स्पाइसी बनाएंगे या थोड़ा मीडियम स्पाइस डालेंगे। तो ये है हल्दी, ये है धनिया, मैं थोड़ा सा कम ही डालूंगी मसाला। ये है लाल मिर्च, ये है गरम मसाला। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। अब मैं इसमें ये अमचूर डालूंगी, उसके बाद इसमें मैं ये कसूरी मेथी थोड़ा सा डालूंगी, और लास्ट में सभी डिशेस की जान धनिया पत्ता वो डाल देंगे। उसके बाद ये सॉल्ट, अगेन सॉल्ट कम चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा मैंने ये डाल दिया है। और एक मसाला जो हम सभी चीज़ों में डालते हैं, सभी सब्जियों में, वो है हमारा डियर किचन किंग मसाला, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए किचन किंग मसाला, इससे भी स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अब हम सभी मसालों को अच्छे से भूनेंगे, थोड़ी देर इसको हम छोड़ देंगे, और फिर हम सीजनिंग चेक करेंगे कि इसमें क्या कम है, तो उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो जब तक ये भुनाता है बढ़िया से, तब तक हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको ये दो प्याज और टमाटर दिखाए थे उसको मैं चॉप कर लेती हूँ, और फिर उसमें मैं क्या क्या मिलाऊंगी ये आपको। ये बारीक प्याज और टमाटर काट लिया है, इसमें मैं क्या क्या डालूंगी, सॉल्ट, थोड़ा सा ये रेड चिली पाउडर, ये है मेरे पास चाट मसाला, तो थोड़ा सा चाट मसाला, ये बहुत ही अच्छा सा एक टैंगी सा स्वाद देता है रोल में, और ये नींबू, तो इसको हम निचोड़ लेंगे। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ बिया को निकाल देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो अभी से, इसमें इसको देख के ही मेरे मुंह में जो है वो पानी आ रहा है। तो इसको हम बढ़िया से मिला लेंगे। तो ये हमारा रोल में जो हम सैलेड डालेंगे वो तैयार हो गया। इसमें आप खीरा भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी खीरा अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारा तैयार हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी कीमा की तरफ, हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये हमारा कीमा लगभग लगभग बन रहा है। अभी देखिए नीचे लग गया है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तो अपने आप सब मिलके रेडी हो जाएगा। तो ये 2-3 मिनट और, उसके बाद ये हमारा बिल्कुल कीमा, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन वैसी ही है लगभग, तो मेरे मुंह से कबाब निकल जा रहा है। तो ये हमारा कीमा 2-3 मिनट में और भून के अच्छे से तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा और मैं इसमें धनिया पत्ता को डाल दे रही हूँ। तब तक जब तक ये होता है, हम जो रोल पे स्प्रेड बनाएंगे उसको बना लेते हैं। अब हम इसमें ये 4 चम्मच वेज मेयोनीज लेंगे। हमारी पूरी रेसिपी वेज बेस्ड है, तो ध्यान दीजिएगा मेयोनीज डालते वक्त कि ये एग बेस्ड है कि ये नॉन एग बेस्ड है। और ये है हमारे पास टमाटो सॉस। बहुत ही मस्त सा ये स्प्रेड बनके तैयार होता है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा स्प्रेड तैयार हो गया, मिक्स हो गया। नाउ स्प्रेड इज रेडी। तो देखिए ये हमारा राजमा कीमा बनके तैयार है, और गैस मैंने बंद कर दी है। तो चलिए अब हम रोल्स बनाते हैं, चपाती, रोल्स के लिए चपाती बनाते हैं। तो चलिए अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। ये देखिए आटा बिल्कुल अच्छे से
सेट हो गया है। अब हम इसको एक बार फिर से बढ़िया से गूंथ लेंगे। देखिए कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट ये डो बनके तैयार हुआ। इसको हम एक दो बार ऐसे भी पटक देंगे। तो अब ये हमारा तैयार है। फटाफट से अब हम तवा चढ़ाते हैं जल्दी से। तो चलिए पहले हम सबसे पहले लोई इसके बना लेते हैं। और ये मैंने तवा भी चढ़ा दिया है धीमी आंच करके, ताकि तवा भी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा ये। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे हल्का सा रिफाइन डाल देंगे। तो बस अब इसको फटाफट बेल लेंगे। जितना बड़ा हमारा तवा है उतना ही बड़ा हमको इसकी रोटी को बेलना है। ये देखिए आटे में जो ये लोचपन आता है ना, यही मेन होता है। और कितना सुंदर लग रहा है ये देखिए, धनिया पत्ता डाल के। तो अगेन ये जो हमारा रोल है ये फुल ऑफ वेजीज है, धनिया पत्ता है, राजमा तो अपने आप में प्रोटीन का है। अब हम देखिए इसको इस पर चेक कर लेते हैं, ये हमारा ये गर्म हो गया। तो जब तक ये इसकी निचली सतह लाल होगी तब तक हम झट से एक और बेल लेते हैं। फूलना शुरू हो गया है। अब हम इसको पलट लेते हैं और इस पे हम हल्का सा रिफाइंड लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं इसकी निचली सतह, ये देखिए लाल हो गई है। और अब हम इसको ये हल्का हल्का रिफाइंड लेके, देखिए हल्का सा ही लगाना है। और इसको देखिए धीमी आंच पे ही रखा हुआ है मैंने। और इसको हल्का सा आंच को मीडियम करके और यूं दबा दबा के, इसको कड़ा नहीं करना है, हल्का सा लगा लगा के इसको गुलाबी करना है, सेकना है इसको बढ़िया से। ये देखिए इसको यूं दबा दबा के। देखिए अगर आपके पास ये हो तो इससे भी हम दबा दबा के बढ़िया से इसको लाल कर सकते हैं। जो स्ट्रीट्स पे तैयार होता है वो तो फूल नाच पे अच्छे से रिफाइंड विफाइंड डाल के लाल करते हैं, लेकिन घर पे तो हमको थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा धीमी आंच पे धीरे धीरे हम इस चीज़ को लाल करेंगे। तो ये देखिए लाल होना शुरू हो गया है। देखिए बढ़िया से, ये देखिए। तो ये हमारा ये रोटी चपाती जो कह लीजिए वो रेडी हो गया है। अब हम अपने राजमा कीमा रोल को असेंबल करेंगे। चपातीस बना ली है रोल के लिए, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ये स्प्रेड तैयार की थी उसको हम इस पे लगाएंगे। देखिए बढ़िया से, ये लगा दिया। अब हम इस पे ये जो हमने राजमा कीमा बनाया है उसको इस पे डाल देंगे। उसके बाद जो ये हमने सैलेड तैयार की थी उसको डाल देंगे। और ऊपर से ये थोड़ा सा कोरिएंडर। अब हम इसको अच्छे से रोल करेंगे। देखिए थोड़ा सा इस तरीके से अंदर खींचते हुए बढ़िया से
ये देखिए एक रोल बन गया मेरा। अब आपको मैं ये दूसरा बना के दिखा रही हूँ। देखिए हमने ये राजमा का कीमा डाला, इसकी आप पैटीज भी बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है ये। जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है उन लोगों के लिए ये कीमा रोल का बहुत ही अच्छा सा ये रिप्लेसमेंट है। ऐसे ही आप काबुली चने के भी बना सकते हैं, सोयाबीन का तो बनता ही बनता है। ऑल आर दीज रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस। नाउ इट्स रोलिंग टाइम, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे दो राजमा कीमा रोल बनके तैयार हैं। जरूर से बनाइए, खाइए, खिलाइए, और पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।